एपिसोड की शुरुआत में फेरित और नजली को दिखाया जाता है। नजली फेरित के पियानो स्किल्स की तारीफ करती रहती है और फेरित कहता है वो इतना भी अच्छा नहीं था, मैंने कुछ मिस्टेक्स भी किए थे। नजली कहती है उन मिस्टेक्स को कोई नहीं देखता। तभी फेरित कहता है मुझे अभी ऑमलेट खाने का मन कर रहा है। नजली कहती है ऑमलेट अभी? तो किचन क्लोज होने से पहले तुम उसे ऑर्डर कर दो। फेरित कहता है मेरे पास उससे भी अच्छा एक आइडिया है, तुम मेरे लिए ऑमलेट बनाओगी। नजली कहती है लेकिन मैं तो रिजाइन कर चुकी हूँ। फेरित कहता है मैंने तुम्हारे लिए पियानो बजाया तो तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो। यही पास में एक रेस्टोरेंट है जो मेरे दोस्त का है तो हम वहाँ चलते हैं। अगले सीन में फेरित और नजली को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ नजली फेरित के लिए ऑमलेट बनाती रहती है। ऑमलेट बनाने के बाद फेरित टेस्ट करता है। नजली कहती है कैसा बना है ऑमलेट? फेरित कहता है इसमें कुछ ज्यादा लग रहा है। नजली कहती है मुझे पता था नमक ज्यादा हो गया है। तभी फेरित नजली का हाथ पकड़ता है और कहता है ऑमलेट एकदम अच्छा है, जो चीज ज्यादा हो गई है वो है मिस्टर, तुम मुझे मिस्टर फेरित नहीं सिर्फ फेरित बुलाओ। और दोनों ऑमलेट खाते हुए बात करते रहते हैं। तभी सुबह सुबह फेरित जॉगिंग करता रहता है और नजली के पास जाता है। तभी नजली कहती है मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी पावर की जरूरत है, ये लो एनर्जी ड्रिंक, ये बॉडी और माइंड दोनों के लिए अच्छा है। फेरित को वो ड्रिंक बहुत ही अच्छा लगता है और दोनों मीटिंग के लिए तैयार होने चले जाते हैं। मीटिंग के बाद फेरित और नजली मिलते हैं और फेरित कहता है मे बी इस तरह हम वापस मिले। नजली कहती है हाँ जरूर, हमारी दोस्ती तो हमेशा ही रहेगी। तभी मिस्टर नाकातानी जाते रहते हैं और फेरित और नजली उन्हें हैप्पी जर्नी कहते हैं। उनके जाने के बाद फेरित नजली को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, पर नजली कहती है तुम अभी मीटिंग से आए हो तो तुम्हें रेस की जरूरत है। फेरित कहता है मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और मिसेज इकबाल को कंपनी में आते हुए दिखाया जाता है और वहाँ वो देखती है इम्प्लॉयज इकट्ठा हुए हैं। मिसेज इकबाल जब वहाँ जाती है तब एक इम्प्लॉय कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, इतने सारे इम्प्लॉयज को एक साथ निकाल देना, वो भी अचानक। तभी मिसेज इकबाल दमित के ऑफिस में जाती है और देखती है हकान वहाँ बैठा रहता है। मिसेज इकबाल कहती है दमित ऐसा कैसे कर सकती है? हकान कहता है ये दमित ने नहीं मैंने किया है, मैं दमित का पार्टनर हूँ और जो कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा कंपनी में मैं उसे निकाल दूंगा। मिसेज इकबाल कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी और वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दमित को देनेश के घर पे दिखाया जाता है। दमित कहती है मुझे लगा तुम भी स्पैनका गए होगे नजली के साथ, लेकिन मुझे बाद में पता चला फेरित और नजली दोनों साथ में गए हैं। देनेश इस बात से सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में फतोज और नजली को दिखाया जाता है। फतोज नजली से होटल में फेरित के साथ मिलने पर क्या हुआ ये पूछती है, पर नजली इस बारे में कुछ ना बोलकर मिस्टर नाकातानी और उनके वाइफ के बारे में बताने लगती है। तभी फतोज कहती है मुझे मिस्टर नाकातानी से मतलब नहीं है, पहले ये बताओ होटल में क्या हुआ था। तभी नजली कहती है कुछ नहीं हुआ फेरित के साथ, कितने बार बोलूं मैं। फतोज कहती है क्या तुमने फेरित का मिस्टर फेरित से डायरेक्ट फेरित, कुछ तो बात है। तभी वहाँ आसुमन आ जाती है और नजली से कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी आसुमन डोर खोलती है और वहाँ आसुमन के फादर आए हुए होते हैं। नजली और आसुमन अपने फादर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ फेरित हकान से इतने सारे एम्प्लॉयज को निकालने का रीजन पूछता है। तभी हकान कहता है जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा मैं उसे निकाल दूंगा। फेरित कहता है इस कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें कुछ करने से पहले हजार बार सोचना पड़ता है। फेरित हकान को वार्न करता है और वहाँ से चला जाता है। हकान आलिया के बारे में पता करने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है, नजली आसुमन फतोस और उनके पापा बात करते रहते हैं। तभी नजली के फादर उसे पासबुक देते हैं। जब नजली उसे खोलती है तो अकाउंट में 300,000 लीराज होते हैं। नजली के फादर कहते हैं आसुमन ने मुझे कॉल किया था और उसने बताया कि रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए लोन अप्रूव नहीं हुआ। नजली बहुत खुश हो जाती है और अपने फादर को गले लगा लेती है। यहाँ फेरित इंगिन और मिसेज अकबाल बात करते रहते हैं। फेरित कहता है हमें हेल्प करनी होगी उन सभी की जिनकी जॉब गई है हकान की वजह से। फेरित इंगिन से कहता है हमारे जितने भी पार्टनर्स कंपनी है उनसे कहो कि इन एम्प्लॉयज को काम देने में मदद करें, हम इन एम्प्लॉयज को इस तरह सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है और नजली और मनामी को मेहमत के साथ दिखाया जाता है। नजली के पास पैसों का इंतजाम हो जाने से वो रेस्टोरेंट वापस लेने आई है। तभी मिस्टर मेहमत कहते हैं अगर ये रेस्टोरेंट मैं तुम्हारे सिवा और किसी को देता तो मुझे बहुत बुरा लगता, बट अब सब ठीक है, तुम बहुत अच्छा करोगी। डील होने के बाद नजली और मनामी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। अगले सीन में नजली देनिस के घर जाती है और कहती है मैंने रेस्टोरेंट ओन कर लिया है। देनिस पूछता है तुम स्पैनिका गई थी? नजली कहती है हाँ, और वहाँ बहुत मजा आया। नजली देनिस को स्टार्टिंग से बताती है कि स्पैनिका का प्लान कैसे बना और कैसे उसके फादर ने उसकी हेल्प की। देनिस भी खुश हो जाता है और नजली को उठाकर घुमाने लगता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हकान आलिया को मिलता है और कहता है मुझे नजली के बारे में वो सीक्रेट पता है जो अगर फेरित को पता चलेगा तो वो नजली से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। आलिया इस सीक्रेट में इंटरेस्ट दिखाती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम नजली के साथ क्या करना चाहती हो। यहाँ नजली अपने रेस्टोरेंट में काम करती रहती है
और वहाँ फेरित आ जाता है। फेरित कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूँ। नाजली भी खुश हो जाती है। नाजली के घर पर उसके फादर आसुमन फतोस काम करते रहते हैं। तभी वहाँ देनिस आ जाता है और नाजली के बारे में पूछता है। नाजली के फादर उसे अंदर बुलाते हैं और उसके साथ कुछ टाइम पास करते रहते हैं। नजली के घर आने के बाद उसे पता चलता है कि देनिस आया हुआ है और उसके फादर उसे कहते हैं कि देनिस बहुत अच्छा लड़का है और मुझे लग रहा है कि तुम भी किसी के प्यार में पड़ चुकी हो। नजली अपने फादर को नकारती है, तभी देनिस जाने लगता है और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एपिसोड का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सिया।